सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, अब आप काफी टाइम बाद मेरी कुछ एक वीडियो आएगी और एक अब नया राउंड की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि जो हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, हमने गणपति जी बिठाए थे फर्स्ट टाइम। मैंने और नया ने प्लान किया था हमारी शादी के बाद, हम फर्स्ट टाइम मिले, उस टाइम तो हम एक्चुअली दिखा नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम हुआ कि जब हम गणपति जी बिठाते सडन ऑफ सडन हुआ कि हम सोच रहे कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे। और नो डाउट पापा का आशीर्वाद तो बहुत अच्छे से हुआ, इतने अच्छे से हुआ कि जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो सो उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस बार फिर से उनको बिठाएंगे, अपने घर लेके आएंगे। तो इस बार हम आप सबको उनका पूरा वो दिखाएंगे कि कैसे प्रिपरेशन होती है और कहाँ से गणपति जी मिलते हैं, इको फ्रेंडली मिलते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती है पूजा में, क्या क्या सामान लगता है। जैसे कई लोग होते हैं जो बिठाना चाहते हैं बट उनको ज़्यादा पता नहीं होता, बट मेरा तो एक यही मानना है, दिल से करो और अच्छे से करो, बाकी सब तो हो जाएगा, चाहे छोटा करो दिल से करो। भगवान के लिए कोई भी अलग से मत करो कि आपके पास देखते हो लोग कि बहुत हाई फाई भी करते हैं और कुछ लोग डाउन भी करते हैं, सब अपने हिसाब से करते हैं। दिल से करी हुई चीज़ ना सब बटा देती है, क्या बात बोलते हैं। तो Definitely. अभी मैं कल परसों एक जगह से आ रहा था तो मैंने देखा वहाँ पे गणपति जी की मूर्तियाँ थी काफ़ी सारी, वहाँ ट्रैफिक के कारण मैं रुक नहीं पाया। अब हम वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि हमें वहाँ क्या मिलता है, नहीं तो फिर हम हमारे पास एक जगह और है और उस टाइम नया भी नहीं थी, तो अब ये भी देखेंगे और आप सब भी देखेंगे, आप सबको भी दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसी क्या वीडियो है। तो वहाँ निकलते हैं और नीचे मिलते हैं अपने बुलेट रानी से। पता नहीं मैं हमेशा क्यों ही लेट हो जाती हूँ, फिर मेरे को सुनना पड़ता है कि तू हमेशा लेट है लेट है लेट है। ये देखो हमारी तो बुलेट, और ये हमारे दीपांशु राइडर। निकलने का मतलब है कि आप दिल्ली के जाम को एक्सपीरियंस करोगे, और दिल्ली के जाम मतलब ओ वाओ, आप खुद देख लीजिए। तो जो डिस्टेंस हमें 20 मिनट्स में कवर करना चाहिए था, उस डिस्टेंस को हमने अप्रॉक्स 40 मिनट्स में कवर किया, इतना तगड़ा जाम था। और अब हम मे बी ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं, फिर हम आपको पहुंच के बहुत सुंदर सुंदर गणपति जी दिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक राउंड ऑफ करवाता हूँ, फिर यहाँ के ओनर से मिलवाता हूँ, और यहाँ पे फिर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, इतनी सारी कि क्या ही बताऊँ। मैं आपको मूर्तियाँ दिखाता हूँ, एक बार आप देखिए सारे।
जाता जन्नत मारो दर्शन तेरा मन रमता जय देव जय देव से कोई शरणागता में संतन संगत सब ही भरपूर पावे से महाराज को अति भावे दोस्तों। अभी आपने देखा कि एक राउंड अभी हमने लगाया पूरा और आपको कितनी सारी मूर्तियां, इतनी सारी मूर्तियां हैं कि जिसकी हद नहीं है। मतलब आप देखते देखते जब मैं ये लूँ मतलब बहुत सारी बापा की मूर्तियां हैं। अब मैं आपको इसमें कुछ और दिखाता हूँ। लोग चुन लेते हैं, अपनी सिलेक्ट कर लेते हैं, उनकी इस तरह से ढक दी जाती है क्योंकि जब भी हम घर लेके जाते हैं जब तक हम स्थापित नहीं करते कपड़ा नहीं हटाते इसके ऊपर से, यहाँ से लेके जाते हैं तो घर पे ले जाके स्थापित करते हैं तभी ये कपड़ा हटाया जाता है उनकी पूजा करके। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ये सिलेक्ट हो रखी है यहाँ पे मूर्तियाँ, ये सारी मूर्तियाँ सिलेक्ट हो रखी है जिस पे ना कपड़े लगे हुए ऑलरेडी। और तो यहाँ पे सारा आपको पूजा का सामान सब सामग्री सब यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे जितनी तरह की सामग्री सब मिल जाएगी आपको, जो भी चीज़ चाहिए हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होगी यहाँ पे। इसके बाद हम आपको यहाँ के ओनर से भी मिलवाते हैं और उनके उनसे पूछवाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब कुछ जो जो पूजा में लगता है एक सारा सामान यहाँ पे होता है, इवन वर्त का खाना वाना भी सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो मतलब यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कहा ही आ गए हम लोग। तो अभी देखते हैं आगे ओनर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। सो अभी आपको दीपांशु ने एक पैन दिखाया कि यहाँ कितने ब्यूटीफुल से गणेश जी हैं। मेरे को तो आई एम सो ऑब्सेस्ड विद बेबी गणेशस, यू नो, यहाँ पे डिट्टो हाउ आई इमेजिन एकदम वैसे बेबी गणेशस है। हम ना एक काम करते हैं, हम यहाँ के ओनर से बात करते हैं, शी विल एक्सप्लेन यू बेटर कि यहाँ की क्वालिटी और यहाँ के जो डिजाइन है वो क्यों यूनिक है। तो मैम हेलो, हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सो प्लीज इंट्रोड्यूस टू आवर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। मेरा नाम लीमा अजय भागवत है और ये काम मैं पिछले 13 सालों से कर रही हूँ। ओके, और आप जब इनके ये बनी हुई होती है, इनको हम इको फ्रेंडली गणेशा आइडल कहते हैं और ये शाडू माती होती है बेसिकली, ये प्योर और इसको प्रीशियस मिट्टी मानी जाती है। जब ये बनने शुरू हुए थे ना तो ये इसी मिट्टी से बनने शुरू हुए थे जो बहुत पवित्र मानी जाती है। और इसका जो विसर्जन होता है मिट्टी का, मिट्टी की जो मूर्ति का, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। Which is like very eco-friendly one. Very eco-friendly. मेरी अगर 1.5 फुट की मूर्ति है इको फ्रेंडली शाडू मिट्टी की, उसको विसर्जन होने में हार्डली 1/2 आवर लगेगा। ओके, और मेरे पास हर साइज में 4 इंच से लेकर 3 से 3.5 फुट की मूर्ति, वो भी सारी इको फ्रेंडली है और ये सब महाराष्ट्र के पेन विलेज से बनी हुई आती है जो इसी के लिए मशहूर है। वहाँ पे घर घर में बनाई जाती है ये मूर्तियाँ। आप और इन जब आप इनको अपने घर में विराजमान करेंगे, आपके घर में जो इसकी आभा रहेगी और इनको इनके आने से जो आपके घर में आपको एक अलग ही चमत्कार और एक अलग ही शांति महसूस करेंगे आप इससे एक। और आपको मुझे कई, मुझे नहीं बता, देखिए मैं तो रखती हूँ, मुझे कई कस्टमर ही बता के जाते हैं कि इनकी स्थापना करने के बाद उनके घर में कितनी सुख और समृद्धि आई है। इसीलिए माना जाता है कि ये बहुत ही प्योर क्ले होती है, प्रीशियस प्योर क्ले है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो गाइज प्लीज नोट द पॉइंट दैट दीज स्कल्पचर्स, ये जो मूर्तियां हैं ये महाराष्ट्र से ही बन के आ रही है, ये यहाँ पे दिल्ली में नहीं बन रही। मैंने आपको डिस्टर्ब किया बट मुझे मैम भी एक बहुत अच्छी लाइन एक बहुत अच्छी लगी कि घर पे जब ये स्थापित होते हैं तो जितनी भी नेगेटिव वाइब्स होती है सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। और आज की डेट में हम सब के लिए जो हमारा डेली रूटीन है और सब है, सुबह उठे ऑफिस गए शाम को आए ऑफिस का काम एंड ऑल, सारा टाइम ऑफिस ऑफिस ऑफिस, फैमिली को भी आजकल हम टाइम नहीं दे पाते, बट जब गणेश जी घर में बजाते, जब गणेश जी हमारे घर पे आते हैं विराजते हैं तो पूरी फैमिली मिलके अच्छे से उनका वेलकम करती है। और सारे जो मतलब एक नाम इनका विघ्न हर्ता भी है, तो हमारे सारे विघ्न हमारी सारे दुख सब ले जाते हैं साथ में अपने, तो इसलिए इनको विघ्न हर्ता भी कहते हैं। तो मतलब मैडम की मैम की बहुत अच्छी बात की हमारे को जो लगी है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, अभी हम और ऐसी ही वीडियोस बनाते रहेंगे एंड वी विल कीप अपडेटिंग यू। टिल दैट बाय एंड सी यू।